गुड मॉर्निंग क्लास वन स्टूडेंट, ये आपका इंग्लिश का क्लास है और हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। आज हम लोग लेसन टू पढ़ेंगे जिसमें ए एन और द का यूज़ बताया गया है। तो पहले हम लोग बुक देखते हैं, हम लोग आज कौन इस सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। ये देखिए हम लोग लेट्स डू करेंगे। लेट्स डू में यह कुछ बताया गया है, डू यू नो वी यूज ए एंड एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग्स। वी यूज एन बिफोर द नेमिंग वर्ड डैट स्टार्ट विद ए वोवेल साउंड। वी यूज ए बिफोर द नेमिंग वर्ड डैट स्टार्ट विद ए कंसोनेंट साउंड। और उसके बाद लेट्स डू है, लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम देम। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन बिफोर द वर्ड्स। क्या क्या कहा जा रहा है कि हम लोग एक चीज़ को बताने के लिए ए या एन का यूज़ करते हैं और एन कहाँ यूज़ करते हैं, जब जो वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, और ए यूज़ करते हैं जो कंसोनेंट से शुरू होता है। उसके बाद बी है, यहाँ पे पहला दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। उसके बाद बी में कुछ बताया जा रहा है, ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नेम डैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए उससे पहले कॉमन नाउन से पहले शुरू होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। एन इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, एंड कॉमन नाउन से पहले यूज़ होता है डैट बिगिंस विद ए वोवेल साउंड जो कि वोवेल साउंड से शुरू होता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द थिंग्स डैट आर ओनली वन ऑफ देयर स्पेसिफिक काइंड। और द का इस्तेमाल वहाँ होता है जो कि उस तरह का अकेला हो। उसके बाद ये है लेट्स डू, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। इतना हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, आप बोर्ड पे देखें। सबसे पहले हम ये जानें, इससे पहले भी हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा है ए एन का यूज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि ए या एन को एक सिंगल चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं। ए का यूज़ हम उस वर्ड कॉन्सोनेंट उस वर्ड के आगे लगाते हैं जो कंसोनेंट से शुरू होता है, और एन का यूज़ हम उस वर्ड से पहले करते हैं जो कि वोवेल साउंड से शुरू होता है। ये दो चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो अब ये देखिए, पिक्चर देखिएगा, क्या पहला में लेट्स डू है। पहला में कह रहा है लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम देम, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन बिफोर द वर्ड्स। ये तस्वीर दिया हुआ है, तस्वीर को देखने के लिए कहा जाता है जा रहा है, और उसमें ए लगेगा या एन लगेगा वो आपको बताना है। तो ए देखिए, ए क्या, ए में क्या है, एप्पल है। एप्पल किससे शुरू होता है, ये वोवेल साउंड से शुरू होता है, ए से शुरू होता है एप्पल, तो इससे पहले हम एन लगा देंगे। बी को देखिए बैग है, बैग किससे शुरू होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो हम इससे पहले ए लगा देंगे। तीसरा देखिए काइट किससे शुरू होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तो हम इसमें ए लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए डॉग में ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो डॉग जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तो हम ए लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए ओनियन ये वोवेल साउंड से शुरू होता है, ओनियन वोवेल साउंड से शुरू होता है, तो हम इससे पहले एन लगा देंगे। उसके बाद एफ देखिए मैंगो है, मैंगो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे। जी में कैट है, कैट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तो हम ए लगाएंगे। एच इसमें आपको जी ही लिखा हुआ है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, जी के बाद एच होगा। एच
एच में अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वॉवेल साउंड से शुरू होता है, हम इससे पहले एन लगाएंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से, मतलब कॉन्सोनेंट लेटर से, ए आई ओ यू ये वॉवेल है, इसको छोड़ करके सब कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा जो वर्ड, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे, और जो वॉवेल से शुरू होगा उससे पहले हम एन लगाएंगे। तो जैसे कि हमने लगाया एन एप्पल, ए बैग, ए कैट, ए डॉग, एन ओनियन, ए मैंगो, ए कैट, एन अम्ब्रेला। दूसरा देखें, दूसरा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ब्लैंक्स खाली जगहों को भरना है ए या एन से। माई अंकल बाउट, खाली जगह पेन फॉर मी। पेन, पेन क्या है, वॉवेल के कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, पेन कॉन्सोनेंट साउंड से वो शुरू होता है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बी देखिए, आई सॉ डैश ईगल इन द स्काई। ईगल, ईगल किससे शुरू होता है, वॉवेल साउंड से, तो हम इससे पहले हम एन लगा देंगे। सी देखिए, हिज ब्रदर इज डैश इंजीनियर। इंजीनियर किस साउंड से शुरू होता है, वॉवेल साउंड से, तो हम इससे पहले एन लगा देंगे। सी द बॉय इज ईटिंग डैश बनाना। बनाना किस साउंड से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो हम इससे पहले ए लगा देंगे। ई ही हैज डैश पेट डॉग। ही हैज डैश पेट डॉग। केट किस साउंड से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इससे पहले हम ए लगा देंगे। अब बी सेक्शन है, लेट्स नो, कहा जा रहा है कि हम लोग पहले जाने क्या है। ए यूज इज यूज बिफोर कॉमन नेम्स। ए यूज होता है कॉमन नेम से पहले। डैट बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। एन इज यूज बिफोर कॉमन नेम्स। एन यूज होता है कॉमन नाउन से पहले। डैट बिगिंस विद ए वॉवेल साउंड, जो कि एक वॉवेल साउंड से शुरू होता है। द इज यूज बिफोर द थिंग्स। द यूज होता है उस चीज़ से पहले, डेट आर ओनली वन ऑफ देयर स्पेसिफिक काइंड, जो कि उस तरह का सिंगल है, अकेला है। तो आगे हम लोग देखें, तीसरा है, तीसरा है डैश, डैश ए है तीसरा में। ए पहले तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। इसको तीसरा को भी ए और एन से हमको फिल करना है। ए उसके बाद लिखा हुआ है काउ, तो काउ किससे साउंड, किस साउंड से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से, तो हम ए लगाएंगे। बी एलिफेंट, एलिफेंट किस साउंड से शुरू होता है, वॉवेल साउंड से, तो हम एन लगाएंगे। उसके बाद सी में लाइन, लाइन किस साउंड से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसमें हम ए लगाएंगे। डी, डी में ऑक्स, ऑक्स किस साउंड से शुरू होता है, वॉवेल साउंड से, तो हम एन लगाएंगे। उसके बाद ई, आइस, आइसक्रीम, आइसक्रीम किस साउंड से शुरू होता है, वॉवेल साउंड से, तो हम एन लगाएंगे। एफ, एफ में क्या है, चेयर, चेयर किस साउंड से शुरू होता है, कंसोनेंट साउंड से, तो हम इसमें ए लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ए एन का यूज सीखा। इससे पहले भी हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा था कि हम किसी सिंगल चीज़ को बताने के लिए ए या एन का यूज़ करते हैं। जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हम उससे पहले ए लगाते हैं, और जब कोई वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा। आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे दूसरे क्लास में हम इससे आगे करेंगे। तो आज हम क्लास में स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।